न्यूजीलैंड इंसिडेंट। न्यूजीलैंड मार्केट में हमला दहशतगर्दी करार। हमलावर दौलत इस्लामिया। न्यूजीलैंड में पुलिस ने तशद्दुद पर आमादा एक शिद्दत पसंद को, जिसने ऑकलैंड की एक सुपरमार्केट में चाकू के वार करके 6 अफराद को जख्मी कर दिया था, गोली मारकर हलाक कर दिया गया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिका आर्डन ने ये एक दहशतगर्दी हमला था, जो कि श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने किया, जो पहले से ही पुलिस के मुश्तबा अपराध की फहरिस्त में शामिल था। श्रीलंका के इस शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई, लेकिन वजीर आजम का कहना था कि वो नाम नहायत ही शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का हामिल है। पुलिस ने जुम्मे को इस शख्स की तरफ से लोगों को चाकू के वार करके हलाक करने के सिर्फ 7 सेकंड बाद हलाक कर दिया। जेसिका आर्डन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कुछ आज हुआ वो काबिले मज़म्मत, काबिले नफरत और गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक इनफरादी हरकत थी और किसी अकीदे की नहीं। सेहत के हुकाम का कहना है कि जख्मी होने वाले 6 अफराद में से 3 की हालत नाजुक है और 1 की हालत खतरनाक हद तक खराब है। ऑकलैंड के मीर फिलगोफ ने बीबीसी को बताया कि अस्पताल का अमला जख्मी अफराद की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ इससे सबको शदीद धचका लगा है और इस हमले में मुलविस शख्स को करार वाकई सजा दी जाएगी।